इस भाग के अंतर्गत हमारे अध्ययन का विषय रहेगा वचन। वचन यानी जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या उससे अधिक मात्रा का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की एक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे यह एक मंदिर है, यह मेरी कार है। बहुवचन अर्थात जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे ये सभी किताबें इधर रख दो, ये मेरे परिवार के लोग हैं। वचन की पहचान, बच्चों वचन की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। पहला, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों द्वारा, जैसे लड़का गीत गा रहा है, लड़के गीत गा रहे हैं। दूसरा प्रकार, क्रिया शब्दों द्वारा, किसान खेत जोत रहा था, किसान खेत जोत रहे थे। वचन परिवर्तन करने के कुछ नियम। अंतिम वर्ण आ का ए में परिवर्तन करने का नियम, जैसे पौधा पौधे, केला केले। अंतिम वर्ण ए को ए में परिवर्तित करके रात राते, बात बातें। अंतिम वर्ण आ को ए में बदलकर कन्या कन्याएं, घटना घटनाएं। अंतिम वर्ण ई ई को या में परिवर्तित करके साड़ी साड़ियां, खिड़की खिड़कियां। स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम वर्ण या को या में बदलकर बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया। स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम वर्ण ऊ अथवा औ के साथ ए लगाकर, जैसे वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं। एक वचन के साथ वर्ग, जन, गण, वृंद आदि लगाकर, जैसे युवा से युवा वर्ग, प्रजा प्रजाजन, पक्षी पक्षी वृंद, कवि कविगण।